आज की रेसिपी है गरम मसाला बनाने की रेसिपी। गरम मसाला उन सभी की रसोई में ज़रूर मिल जाता है जिन्हें भारतीय खाना पकाना पसंद होता है। तो इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से है, सौंफ, खड़ा धनिया, काली मिर्च, जीरा, खसखस, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल, गगड़फूल, लौंग, पिपली, चक्रफूल और सौंठ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं 4 से 5 घंटे तक अच्छी धूप में सुखा लेती हूँ। उसके बाद इसे ग्राइंड करके हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये गरम मसाला स्पेशली ग्रेवी करीज के लिए बनाया है मैंने। इसको ऐड करने से करी का टेस्ट भी बढ़ता है और ग्रेवी जो है उसमें थोड़ी सी थिकनेस भी आती है। तो आई होप कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग ट्राई ज़रूर करें और मुझे अपने फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट सेक्शन में। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।